अगला अभ्यास करेंगे हम लोग गोमुख आसन का। ये गाय से लिया गया है, इसमें बाएं पैर के एड़ी पर एनस गुदा मार को रख देना है, मूलाधार चक्र को। बाएं पैर को मोड़िए, उस पर गुदा मार्ग एनस को रख दीजिए, शौच के रास्ते को, और दाहिना पैर को उठा करके बाएं पैर की एड़ी पर रखेंगे। बहुत अच्छा अभ्यास। और जो पैर ऊपर है आपका दाहिना, तो दाहिना हाथ ऊपर उठाइए, सीधा पूरा सीधा करिए कान में सटाते हुए, और पीछे की तरफ गिरा दीजिए पीठ की तरफ। अब जो पैर नीचे है वो हाथ पीछे से घुसा करके और दोनों हथेली को आपस में सटाने का प्रयास करेंगे। इसी स्थिति में बने रहिए, केवनी को देखते हुए आसमान की तरफ नजरें। सभी लोग करिए ये गोमुखासन। जिनको बवासीर की बीमारी है, जिनको भगंदर की बीमारी है, माताओं बहनों को गर्भाशय से बाहर यूटेरस प्रोलेप्स की समस्या हो जाती है, गुदा भ्रंश शौच का रास्ता जिनको बाहर निकल जाता है, उनके लिए बहुत ही लाभकारी गोमुखासन। हृदय मजबूत करने के लिए, वक्ष स्थल सुंदर और सुडोल बनाने के लिए यह निरंतर 5 से 7 बार रोज करना। और केवनी खड़ा करें, केवनी को देखिए आंखों से, बहुत अच्छा। आसमान की तरफ नजरें हो, सांस रुका हुआ अंदर, फिर सांसों को छोड़ते हुए आप वापस आ जाइए। बहुत अच्छा अभ्यास। अब पैर को बदल देते हैं। आसन में ध्यान रखा जाता है कि जब बाएं से किए तो दाहिने से करना जरूरी है, जब आगे से किए तो पीछे वाला करना जरूरी है, जब दाएं से किए तो बायां वाला, नीचे से किए तो ऊपर वाला, बैलेंस रखने के लिए। अब हम लोग दूसरे पैर पर बैठ जाएंगे। दाहिने पैर की एड़ी पर बैठ जाइए, बायां पैर उठाकर दाहिने पैर के ऊपर रख लीजिए। दोनों घुटना लगभग एक दूसरे के आमने सामने हो। जिनका जांग मोटा है, घुटना में दर्द है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। अभ्यास करेंगे तो 4-5 दिनों में आपका अभ्यास परफेक्ट होने लगेगा। अब जो पैर ऊपर है, बायां ऊपर ले जाइए और नीचे गिरा दीजिए पीठ की तरफ, और दूसरे हाथ को पीछे से घुसाकर लगाकर और दोनों केवनी को खिंचाव पैदा करते हुए हथेली को आपस में पकड़िए, और ये केवनी सीधा, और केवनी को देखिए आंखों से और आसमान की तरफ नजरें हो। सांस अंदर रुका हुआ, ये गोमुख आसन का अभ्यास। हाँ, इसका नाम है गोमुख आसन। गाय के मुख की तरह हमारा ये पैर हो जाता आगे वाला। जो कुबड़पन के शिकार हैं, जिनका आगे से पीछे से झुक जाता है, शादी विवाह में दिक्कत हो जाती है, तो कुबड़पन की समस्याओं से मुक्ति के लिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने के लिए यह अत्यंत ही विश्व प्रसिद्ध आसन है गोमुख आसन। इसलिए इसका निरंतर अभ्यास हम सबको करना है, ताकि हमारा शरीर सुंदर रहे, सुडौल रहे, स्मार्ट रहे, तो हम सब बढ़िया लगेंगे और अपने शरीर को दूसरों के लिए भी ये दिखा सके कि देखिए शरीर हो तो ऐसा हो, ताकि फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन आजीवन बना रहे। ओम।